शहर को शर्मसार कर देने वाली वारदात की गुत्थी को पुलिस ने आखिरकार सुलझा ही लिया। पुलिस ने मामले में सफलता हासिल करते हुए घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दो दिन पूर्व महू में प्रशांति हॉस्पिटल के सामने खंडहर में मिली बच्ची के शव के मामले में पुलिस ने दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को प्रशांति हॉस्पिटल के समीप खंडहर में पुलिस को एक 4 साल की बच्ची का शव मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया था, जहां मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि पोस्टमार्टम के दौरान हुई थी। मासूम के साथ हुए दुष्कर्म तथा हत्या की घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। क्षेत्र में लगी सीसीटीवी को खंगाल कर पुलिस आरोपी का सुराग जुटा रही थी। लगातार शहर में लोगों की चर्चा और अधिकारियों के दबाव के चलते पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। वही तलाश के दौरान पुलिस को शहर के प्रशांति हॉस्पिटल के पास रहने वाले अंकित का घटना से संलिप्त होने का पता लगा। वहीं सीसीटीवी फुटेज के सामने आ रहे हुलिये के आधार पर पुलिस ने अंकित को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अंकित द्वारा घटना को अंजाम दिया जाना कबूल किया है। धारा है 363, 376A, 376B, 302, 201 और पॉस्को एक्ट। तो बच्ची के साथ अपेरेंटली गलत कृत्य भी हुआ था और उसने फ्रॉक पहना हुआ था और गलत कृत्य भी प्रतीत होता था कि हुआ है और उसकी पीएम कराया गया। पीएम में स्पष्ट हुआ कि ये बलात्कार का मामला है और उसके साथ साथ उसका मुंह दबा के जिससे सफोकेशन से या उसको स्मदरिंग बोलते हैं उससे एक बच्ची की मृत्यु हुई थी। तो ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी थी जिसको त्वरित गति से सॉल्व भी करना था और चैलेंज भी था पुलिस के लिए कि जल्दी से जल्दी करें ताकि एक इसमें मैसेज जाए त्वरित कार्रवाई का और ये जो इस प्रकार का विभत्स आवश्यक था कि इसको सॉल्व करें। तो उसको विद इन 48 आवर्स आई थिंक अभी 48 घंटे हुए हैं आज उसको सॉल्व भी कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार किया है। उस व्यक्ति का नाम है अंकित, पिता कमल सिंह, 26 वर्ष का है ये, निवासी है शंकर खिलौना वाले की बगीचे में इसका निवास है। ये प्रशांति अस्पताल के पास घटना स्थल से मात्र 100-150 मीटर दूर है इसका रहने का स्थान। अब इसका पकड़ने का जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से पुलिस ने इस जड़ तक पहुँचे उस व्यक्ति को।